राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नवीन पटनायक जी को ये शोभा नहीं देता। किसानों के लेकर के फर्टिलाइजर को लेकर के राजनीति करना ये किसानों के हित की बात नहीं है। और नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार केवल ओडिशा के किसान नहीं बल्कि देश का किसानों का पिछला 8 साल से लगातार जितना राज्यों का मांग रहती है मांग पूरी करते आई है। और पिछला 2 साल से यूरिया और डीएपी का भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने के बावजूद भी भारत सरकार यूरिया और डीएपी और एनपीके के ऊपर सब्सिडी बढ़ा करके किसानों को जो मूल्य में देते रहते हैं वही मूल्य में किसानों को मिलना चाहिए। और ये आज भी ओडिशा के अंदर हो रहा है। जो ओडिशा की मांग थी यूरिया टिल 25 अगस्त तक 80,000 मीट्रिक टन की थी तो हमने भारत सरकार 2,04,000 मीट्रिक टन हमने सप्लाई किया है। डीएपी 30,000 टन की उनकी मांग थी तो हमने 52,000 मेट्रिक टन हमने सप्लाई किया है। एमओपी ओडिशा सरकार की 25,000 मेट्रिक टन की उनकी मांग थी तो हमने 45,000 मेट्रिक टन हमने उनका पूर्ति किया है। और एनपीके 40,000 मेट्रिक टन की उनका पूर्ति थी मांग थी तो हमने 1,37,000 हमने उनको दिया। आज भी ओडिशा के अंदर यूरिया डीएपी एमओपी और एनपीके जितना किसानों को चाहिए वो उपलब्ध है। माननीय नवीन पटनायक जी आप कृपा करके किसानों के ऊपर उर्वरक को लेकर के आप राजनीति मत करिए क्योंकि भारत सरकार किसानों की हित रखने के लिए सक्षम है। और मैं उस विभाग का राज्य मंत्री के नाते से आज की फिगर आपको मैं दे रहा हूं। अगर आपको सभी मीडिया वालों से और सभी ओडिशा के किसानों को मैं विनंती करता हूं कि हमारा वेबसाइट है www.urvarak.nic.in पर रियल टाइम आज का दिन में हमने कितना सप्लाई किया उसमें से किसानों ने कितना POS से खरीदा और आज के दिन में क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो सारा ट्रांसपेरेंसी भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार किया है। कृपा करके माननीय नवीन पटनायक जी आपका अधिकारियों को भी इसके ऊपर आप ध्यान देने के लिए कह दिए तो बहुत बहुत किसानों के ऊपर आपका मेहरबान। जातक विचार वास्तु विचार माटी परीक्षा पाई संपर्क करंतु साधक नागानंद को 9439159052।